हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईएसओ ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है कि हम लोग जो फूड सेफ्टी का शेड्यूल 4 अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट में चालू किए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उसको, और किसी ना किसी माध्यम से हम शेड्यूल 4 की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास में टोटल कितने शेड्यूल हैं FSSAI के, जो कि एप्लीकेबल हैं हमारी इंडस्ट्री में, और वो शेड्यूल आए कहाँ से, और उन शेड्यूल्स को लाने का पर्पस क्या है, और बीच बीच में इसमें हमको जब देखने को मिलता है इसमें चेंजेस होते हैं काफ़ी, तो वो चेंजेस क्यों होते हैं, आखिरकार इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज शेड्यूल को समझेंगे और हम ये जानेंगे कि अपने प्लांट में, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपनी फूड एस्टेब्लिशमेंट में किस तरीके से उनको लागू किए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि FSSAI का जो गठन हुआ था वो कब हुआ। 2011, अगस्त 2011 में हुआ। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हालांकि पुराने वीडियोस में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, और इसकी पेरेंटल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। दोस्तों, बात ही चालू होती है कि अब ये जाने कि FSSAI का जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। तो भारत में इसकी जर्नी फूड सेफ्टी की स्टार्ट हुई 1916 में, और FSSAI जो चर्चा में आया, जो एग्जिस्टेंस में आया, वो 2006 में आया। उसके बाद ने इसका प्रेसिडेंट ने इसका एसेंट को रिसीव किया 23/8/2006 को। गजट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया को जब ये नोटिफाइड किया तो ये 24/8/2006 को नोटिफाइड किया। उसके बाद में वर्क अलोकेशन डिसाइड हुआ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में 17/9/2007 को दे दिया गया। फिर इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन इसके ऊपर जारी किया 15/10/2007 को, कि अब से ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आएगा। वैसे FSSAI एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन कंट्रोलिंग के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रखा गया। सेक्शन 90 के आधार पे जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करते थे या अलग अलग रिलेटेड उनके एक्ट के हिसाब से काम करते थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया 28/8/2008 को। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 FSSAI का जो एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक्ट के थ्रू ये नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2008 को जारी कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फूड अथॉरिटी का गठन हुआ 30 सितंबर 2008 को, और अलग अलग सेक्शंस में, यहाँ बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर MFPO, MMPO या PFA के जो कर्मचारी थे, वो स्टाफ जो वर्किंग था ऑलरेडी, उनको कब ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि सभी का अपना पेरोल सिस्टम होता है, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया FSSAI की तरफ की ओर 2008 को। तो दोस्तों, ये एक FSSAI का एक ओवरव्यू, एक सेटअप ओवरव्यू था। अब हम बात कर देंगे कि FSSAI, जो कि भारत की ऑटोनोमस बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, तो ये किस एक्ट के अंदर आती है? जी हाँ, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर ही ये आती है। इसके बाद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फूड सेफ्टी एंड जो एक्ट है, एक्ट के बाद ही क्या काम खत्म हो गया। एक्ट के बाद काम खत्म नहीं हुआ, एक्ट से काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद रूल्स बने और उसके बाद रेगुलेशंस बने। तो आप ये देखते होंगे कि फूड सेफ्टी एक्ट 2006 बोला जाता है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस जो है वो 2011 के नाम से आप देखते हैं। 2011 के जो जो बेसिक पर्पस है, 2011 में ये अधिनियम स्टार्ट हुआ, और अलग अलग फूड सेक्टर्स में इनके वर्क को अलॉट कर दिया गया, और एक यूनिफॉर्म वे में तब से ही काम होना शुरू हो गया। तो एक्ट 2006 जो एक्ट है, ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया रूल्स और रेगुलेशंस के लिए, और उसके बाद में जो मेन रेगुलेशन जो हम लोग अपने यहाँ पे लागू किए हुए हैं, वो 2011 की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, या उसके जैसे ही अलग रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। जैसी जैसी इंडस्ट्री होती है, ऐसा ऐसा ही रेगुलेशन हम लोग अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
एफएसएसएआई के जो इम्पोर्टेंट मूव्स रहे जो कि उनको काम करना पड़ा, जैसे कि उनको क्या काम करना पड़ा। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि एफएसएसएआई ने एक अम्ब्रेला का काम किया। पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्ट थे, डिफरेंट टाइप के रेगुलेशंस थे और अलग अलग अथॉरिटीज़ में वो काम करते थे। मतलब रिपोर्टिंग अलग अलग एक्ट के आधार पर होती थी, अलग अलग बॉडीज़ को होती थी। जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था, तो मतलब कि फूड में एडल्ट्रेशन का जो काम था, उसको जो चेक करने का काम था, वो फूड इंस्पेक्टर के हाथ हुआ करता था। उसी तरीके से फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ये एक अलग बॉडी की तरह काम करता था। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 एक्ट, ये अलग काम करता था। इसी प्रकार से ये सात जो एक्ट थे उनको एक जगह मर्ज कर दिया गया। अब जब एक जगह मर्ज कर दिया एफएसएसएआई के माध्यम से, तो ये किस शेड्यूल के अंतर्गत किया गया? इसको सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत किया गया था। मतलब जो कुल शेड्यूल्स हैं उनमें शेड्यूल नंबर 2 है, उनके आधार पे इनको फिर एक अम्ब्रेला के नीचे डाल दिया गया। मतलब केवल और केवल कंट्रोल एफएसएसएआई का इनके ऊपर हो गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ओवरव्यू आपको यहाँ से मिलेगा कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर ये सात के सात एक्ट आपको दिख रहे हैं, जो कि पुराने रूल और स्टैंडर्ड से ट्रांसफर हुए एफएसएसएआई के कंट्रोल में। अब बात उसकी कि चैप्टर्स कितने हैं टोटल, तो देखिए फूड सेफ्टी एक्ट जो है उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, और 12 चैप्टर्स में कुल मिला के 101 सेक्शंस हैं जो अलग अलग प्रोविजंस के आधार पे एनफोर्स किए गए हैं। कहाँ पे? स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी और उसके ऑफिसर्स के लिए। उसमें पंचायती राज, म्यूनिसिपल बॉडीज दोनों के दोनों सेक्शन वाइज काम करते हैं। अब शेड्यूल की अगर बात करें तो दो शेड्यूल ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज हैं, मतलब मिले हुए हैं। तो बात यह आती है कि टोटल दो ही शेड्यूल हैं क्या? नहीं, टोटल चार शेड्यूल्स हैं। ये चार शेड्यूल्स को समझने के लिए आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि पहले शेड्यूल में, अब यहाँ पे आप देखिए कि 12 चैप्टर्स हैं। अब उन 12 चैप्टर्स में से हम 101 सेक्शंस की भी बात करते हैं और फिर शेड्यूल की बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले शेड्यूल पे अगर आए तो पहले शेड्यूल्स में केवल आउटलाइन दिया गया है जोन वाइज, जो कि यूनियन टेरिटरी एक अपना रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेगी फूड अथॉरिटी के लिए। मतलब सेंटर से फूड अथॉरिटी है, वो कंट्रोल होगी यूनियन टेरिटरी से भी। तो शेड्यूल नंबर 1 में केवल उनके बारे में आउटलाइन दी गई है, जोन डिवाइड किए गए हैं और जोन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सेकंड शेड्यूल में क्या किया है गया है? सेकंड शेड्यूल में एक्ट और ऑर्डर जो कि रिपील्ड हुए आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब एफएसएसएआई के एक्ट 2006 के आने के बाद में जिन स्टैंडर्ड्स को लाया गया उनके ऊपर काम, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। चैप्टर की डिटेलिंग अगर हम समझें तो चैप्टर नंबर 1 में केवल प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। चैप्टर नंबर 2 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से है, जिसके की सेक्शन नंबर 4 की हम बात करते हैं। इसी तरीके से कुल मिला के ये 12 चैप्टर हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 में जनरल प्रिंसिपल है फूड सेफ्टी के, चैप्टर नंबर 4 में जनरल प्रोविजन एक्ट एज टू आर्टिकल ऑफ फूड है, फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोर्ट है, और उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 6 में आए तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू फूड सेफ्टी। मतलब अगर आप फूड सेफ्टी करना चाह रहे हो तो आपकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 7 में इसी एक्ट को एनफोर्समेंट के लिए बोला गया है। फिर चैप्टर नंबर 8 में एनालिसिस, फूड की एनालिसिस किस किस क्राइटेरिया पे होगी उसके बारे में बात की गई है। 9 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अगर फूड सेफ्टी का एक कॉलम है तो कहीं ये बात भी आती है कि अगर फूड सेफ्टी नहीं है तो वो एक ऑफेंस है, और उसके ऊपर फिर पेनल्टीज हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार एफएसएसएआई के माध्यम से पेनल्टीज लगाती है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 सब में अपनी अपनी स्पेसिफिक बात है। तो आइए आप समझते हैं कि इसकी डिटेलिंग किस तरह से की है हमने। आपके सामने स्क्रीन पे है चैप्टर, सेक्शन और शेड्यूल है। जैसे हमने बताया टोटल 12 चैप्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस,
रजिस्ट्रेशन ऑफ पैटी फूड बिजनेस और लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस के लिए इसमें डिटेल दी गई है। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 2 के हम सेक्शन नंबर 4 पे आते हैं, क्योंकि 12 चैप्टर में 101 सेक्शन हुए तो चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 4 हमने लिया। देखिए टोटल शेड्यूल है इसमें 4, क्योंकि हम जो पार्ट फॉलो करते हैं वो सेक्शन नंबर 4 के आधार पे करते हैं, शेड्यूल नंबर 4 के आधार पे करते हैं। तो देखिए शेड्यूल नंबर 4 कैसे आया, ये सेक्शन का पार्ट है और आप इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 लिस्ट ऑफ फूड बिजनेस फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब शेड्यूल नंबर 1 इसकी जानकारी देगा। शेड्यूल नंबर 2 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द FSSAI एक्ट। इसी तरह से शेड्यूल नंबर 3 आपको क्या बताएगा, फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, मतलब आपको लाइसेंस अगर रिन्यू कराना है या उसकी फीस जमा करनी है तो आप शेड्यूल नंबर 3 के अंतर्गत जमा करते हैं। और जो कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में काम पड़ता है, जो ज़्यादा चर्चा में रहता है वो है शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आके शेड्यूल नंबर 4 की जो बात है वो एक क्लियर हो जाती है कि हमारे शेड्यूल 4 की वजह क्या है आने की, कि सेक्शन नंबर 4 को हम फॉलो करना चाहते हैं, उसी के अलग अलग शेड्यूल हमारी कंपनी में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में लागू होते हैं। कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट को ही पता होता है, जनरली एम्प्लॉयज़ को नहीं पता लग पाता है, क्योंकि जब वो शेड्यूल नंबर 1 की बात करते हैं तो उन फूड बिजनेस की बात करते हैं जो कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा जिनको वो परव्यू कर दिया गया है। जब 2 की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको और आपको FSSAI का लाइसेंस लेना है या रजिस्ट्रेशन कराना है एक्ट के 2000 एक्ट के थ्रू, तो शेड्यूल नंबर 2 के आधार पर कराना पड़ेगा। उसी तरीके से फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल आपको शेड्यूल नंबर 3 के आधार पे, और जनरली जो ज़्यादा चर्चा में रहता है वो जनरल हाइजीन और सैनिटरी प्रैक्टिस। ये शेड्यूल नंबर बहुत काम का भी है और इसके बहुत ज़्यादा पार्ट है। अब इन बहुत ज़्यादा पार्ट के बारे में जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और समझते हैं। देखिए शेड्यूल नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, सी रेगुलेशन 2.1.2 इसका पार्ट 3 दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेशन 2.1.2 का ही पार्ट है, तो देखिए सामने लिखा हुआ लिस्ट ऑफ फूड बिजनेस फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो इसमें जनरल बातें हैं जैसे कि डेयरी यूनिट इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स इक्विप्ड टू हैंडल और प्रोसेस मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे और 2500 मीट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम। मतलब कि ये डिटेलिंग कर दिया है इन्होंने कि किस तरह से आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। शेड्यूल नंबर 2 अगर देखें तो ये सामने फॉर्म है, इसमें भी लिखा हुआ है 2.1.1 रेगुलेशन 2.1.7। तो ये एक फॉर्म है जो कि शेड्यूल नंबर 2 के आधार पे होता है, जहाँ पे कि आपको परमानेंट या टेम्प्रेरी स्टॉल होल्डर है, हॉकर हैं, होम बेस्ड आपकी कैंटीन है, पैटी रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसर। तो जनरली मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसर पे टिक लगाया जाता है क्योंकि इस काम के लिए अगर है, और अगर कोई रीपैकर है तो वहाँ पर टिक लगाएगा। ये सब क्राइटेरियाज उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर हम शेड्यूल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है सी रेगुलेशन 2.1.3, मतलब कि फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अब जब आप रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सीधी बात है कि फीस लगेगी, तो सब पूरा डिटेलिंग में फी फॉर रजिस्ट्रेशन 100, फी फॉर लाइसेंस इशूड बाई सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी 7500, इस तरह से एक पूरी डिटेलिंग है। हो सकता है इसमें कोई चेंज भी हुआ हो, मैंने एक ओवरव्यू क्लियर करने के लिए आपके लिए एक स्क्रीनशॉट रख के रखा हुआ था जो कि डिटेल आपको दे रहा हूं। अगर शेड्यूल नंबर 4 की बात करें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में कितने सेक्शंस अलग अलग हैं जिनको कि फूड नेटवर्क में हम समझ सकते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस जनरली वेजिटेबल प्रोडक्ट के लिए, नॉन वेज प्रोडक्ट के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए, पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए या फिर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए भी हो सकता है। नए वाले शेड्यूल में अगर हम बात करेंगे तो इन सब की डिटेलिंग में बात है।
तो ये एक आपको जनरल गाइडलाइंस देता है और अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग शेड्यूल फोर देता है। जी बिल्कुल। कैसे? अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं और आप फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो आप एक सेक्शन वाला शेड्यूल फोर लगाएंगे, मतलब वो शेड्यूल फोर की रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे। अगर आप मीट प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं तो उसके लिए शेड्यूल फोर की गाइडलाइन अलग है। इसी प्रकार से इसकी सेक्शंस डिटेलिंग मैंने पिछले वीडियो में दी हुई थी, क्योंकि आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ एक आपके सामने द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है। अभी हमने बात की थी एक्ट के आधार पे, अब यहाँ पे बात हो रही है रेगुलेशंस के आधार पे। तो जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011। और इसी के आधार पे हमने आपको बताया था कि टोटल जितने 12 चैप्टर हैं उन 12 चैप्टरों में से हमने सेक्शन नंबर 2 लिया था। लेकिन क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 में ऐसा कुछ नहीं होगा? इसमें भी होगा, इसमें सेक्शंस होंगे और सेक्शन के बाद डिटेलिंग होगी, लेकिन जनरली और सभी में शेड्यूल नहीं दिए गए हैं, केवल सेक्शंस वाइज ही बात को खत्म कर दिया गया है। मतलब जो डिटेलिंग देनी है, एक प्रोसीजर देना है, वो प्रोसीजर उनके माध्यम से खत्म हो जाता है। अब जैसे कि नंबर 4 देखें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन, मतलब कि पैकेजिंग और लेबलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या क्या आप पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे और उन सब पे क्या जनरली और क्या लीगल रिक्वायरमेंट लिखी होनी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जब कंटामिनेंट्स और टॉक्सिन्स और रेजिड्यूज का आप देखेंगे तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में या आपके रॉ प्रोडक्ट में कंटामिनेंट्स या टॉक्सिन्स या रेजिड्यूज आने के चांसेस क्या क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या क्या होंगी, उनके बारे में टोटल डिटेलिंग दी गई है। जनरली जब हम शेड्यूल फोर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि ये बात तो ठीक है कि हमने फूड सैनिटरी एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में समझ लिया, लेकिन और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट जैसे कि रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी लिमिट है, क्या उसका रेजिड्यू का लेवल है, क्या उसमें टॉक्सिन्स आ सकते हैं, उसके क्या लिमिट बनाई है FSSAI ने, तो सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोसेस, सब बातें अवेलेबल हैं। आप FSSAI के ऑफिशियल साइट पर जब आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अब जनरली अगर बात करें कि लेबोरेटरी का एक मैनुअल होता है, अगर लैब किसी फूड ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश्ड है तो लेबोरेटरी का मैनुअल होगा, और वो लेबोरेटरी के मैनुअल के आधार पे आपने देखा होगा कि वो स्टैंडर्ड जो एक यूनिट का या एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन का स्टैंडर्ड होता है उसको मीट करता है FSSAI की रिक्वायरमेंट से। तो इसका मतलब वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग एनालिसिस रेगुलेशन 2011 में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देखें फूड रिकॉल प्रोसीजर्स, तो फूड रिकॉल प्रोसीजर्स भी आपको मिलेंगे, तो उनका सबका तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी प्रकार से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रेगुलेशन आपको देखना है। तो अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग अधिनियम है और अलग अलग अधिनियम के आधार पर ही हम उस बात को अच्छी तरह समझ पाते हैं। वीडियो के माध्यम से आप ये भी समझ रहे होंगे कि हम जो शेड्यूल नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे थे वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि FSSAI का जो एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट, वो बहुत बड़ा अपने आप में समाहित है और उसमें अलग अलग सेक्शन के लिए बहुत सारी डिटेलिंग है। तो आइए आप समझते हैं कि इसकी डिटेलिंग किस तरह से की है हमने। आपके सामने स्क्रीन पे है चैप्टर, सेक्शन और शेड्यूल है। जैसे हमने बताया टोटल 12 चैप्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ पैटी फूड बिजनेस और लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस के लिए इसमें डिटेल दी गई है। तो कुल मिला के चैप्टर नंबर 2 के हम सेक्शन नंबर 4 पे आते हैं, क्योंकि 12 चैप्टर में 101 सेक्शन हुए तो चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 4 हमने लिया। देखिए टोटल शेड्यूल है इसमें 4, क्योंकि हम जो पार्ट फॉलो करते हैं वो सेक्शन नंबर 4 के आधार पे करते हैं, शेड्यूल नंबर 4 के आधार पे करते हैं। तो देखिए शेड्यूल नंबर 4 कैसे आया,
ये सेक्शन का पार्ट है और आप इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे शेड्यूल नंबर वन लिस्ट ऑफ फूड बिजनेस फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, मतलब शेड्यूल नंबर एक इसकी जानकारी देगा। शेड्यूल नंबर दो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द FSSAI एक्ट। इसी तरह से शेड्यूल नंबर तीन आपको क्या बताएगा, फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, मतलब आपको लाइसेंस अगर रिन्यू कराना है या उसकी फीस जमा करनी है तो आप शेड्यूल नंबर तीन के अंतर्गत जमा करते हैं। और जो कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में, फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में काम पड़ता है, जो ज़्यादा चर्चा में रहता है, वो है शेड्यूल नंबर फोर। शेड्यूल नंबर फोर जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस। यहाँ पे आके शेड्यूल नंबर फोर की जो बात है वो एक क्लियर हो जाती है कि हमारे शेड्यूल फोर की वजह क्या है आने की, कि सेक्शन नंबर फोर को हम फॉलो करना चाहते हैं, उसी के अलग अलग शेड्यूल हमारी कंपनी में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में लागू होते हैं। कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट को ही पता होता है, जनरली एम्प्लॉयज़ को नहीं पता लग पाता है, क्योंकि जब वो शेड्यूल नंबर वन की बात करते हैं तो उन फूड बिजनेस की बात करते हैं जो कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा जिनको वो परव्यू कर दिया गया है। जब दो की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपको और आपको FSSAI का लाइसेंस लेना है या रजिस्ट्रेशन कराना है एक्ट के 2000 एक्ट के थ्रू, तो शेड्यूल नंबर टू के आधार पर कराना पड़ेगा। उसी तरीके से फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल आपको शेड्यूल नंबर तीन के आधार पे, और जनरली जो ज़्यादा चर्चा में रहता है वो जनरल हाइजीन और सैनिटरी प्रैक्टिस। ये शेड्यूल नंबर बहुत काम का भी है और इसके बहुत ज़्यादा पार्ट है। अब इन बहुत ज़्यादा पार्ट के बारे में जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और समझते हैं। देखिए शेड्यूल नंबर एक आपके सामने दिख रहा है, सी रेगुलेशन 2.1.2 इसका पार्ट थ्री दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेशन 2.1.2 का ही पार्ट है, तो देखिए सामने लिखा हुआ लिस्ट ऑफ फूड बिजनेस फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो इसमें जनरल बातें हैं जैसे कि डेयरी यूनिट इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स इक्विप्ड टू हैंडल और प्रोसेस मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे और 2500 मीट्रिक टन ऑफ मिल्क सॉलिड पर एनम। मतलब कि ये डिटेलिंग कर दिया है इन्होंने कि किस तरह से आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। शेड्यूल नंबर टू अगर देखें तो ये सामने फॉर्म है, इसमें भी लिखा हुआ है 2.1.1 रेगुलेशन 2.1.7। तो ये एक फॉर्म है जो कि शेड्यूल नंबर टू के आधार पे होता है, जहाँ पे कि आपको परमानेंट या टेम्प्रेरी स्टॉल होल्डर है, हॉकर हैं, होम बेस्ड आपकी कैंटीन है, पैटी रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसर। तो जनरली मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसर पे टिक लगाया जाता है क्योंकि इस काम के लिए अगर है, और अगर कोई रीपैकर है तो वहाँ पर टिक लगाएगा। ये सब क्राइटेरियाज उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, जब आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर हम शेड्यूल नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है सी रेगुलेशन 2.1.3, मतलब कि फी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। अब जब आप रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो सीधी बात है कि फीस लगेगी, तो सब पूरा डिटेलिंग में फी फॉर रजिस्ट्रेशन 100, फी फॉर लाइसेंस इशूड बाई सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी 7500, इस तरह से एक पूरी डिटेलिंग है। हो सकता है इसमें कोई चेंज भी हुआ हो, मैंने एक ओवरव्यू क्लियर करने के लिए आपके लिए एक स्क्रीनशॉट रख के रखा हुआ था जो कि डिटेल आपको दे रहा हूँ। अगर शेड्यूल नंबर फोर की बात करें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जनरल हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में कितने सेक्शंस अलग अलग हैं जिनको कि फूड नेटवर्क में हम समझ सकते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस जनरली वेजिटेबल प्रोडक्ट के लिए, नॉन वेज प्रोडक्ट के लिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए, पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, या फिर ई कॉमर्स बिजनेस के लिए भी हो सकता है। नए वाले शेड्यूल में अगर हम बात करेंगे तो इन सब की डिटेलिंग में बात है। तो ये एक आपको जनरल गाइडलाइंस देता है और अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग शेड्यूल फोर देता है। जी बिल्कुल, कैसे, अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं और आप फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो आप एक सेक्शन वाला शेड्यूल फोर लगाएंगे, मतलब वो शेड्यूल फोर की रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे। अगर आप मीट प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं तो उसके लिए शेड्यूल फोर की गाइडलाइन अलग है। इसी प्रकार से इसकी सेक्शंस डिटेलिंग मैंने पिछले वीडियो में दी हुई थी, क्योंकि आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह
समझ जाएंगे। यहां एक आपके सामने द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस लिखा हुआ है। अभी हमने बात की थी एक्ट के आधार पे, अब यहां पे बात हो रही है रेगुलेशंस के आधार पे। तो जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011। और इसी के आधार पे हमने आपको बताया था कि टोटल जितने 12 चैप्टर हैं उन 12 चैप्टरों में से हमने सेक्शन नंबर 2 लिया था। लेकिन क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड ऑफ फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 में ऐसा कुछ नहीं होगा? इसमें भी होगा, इसमें सेक्शंस होंगे और सेक्शन के बाद डिटेलिंग होगी, लेकिन जनरली और सभी में शेड्यूल नहीं दिए गए हैं, केवल सेक्शंस वाइज ही बात को खत्म कर दिया गया है। मतलब जो डिटेलिंग देनी है, एक प्रोसीजर देना है, वो प्रोसीजर उनके माध्यम से खत्म हो जाता है। अब जैसे कि नंबर 4 देखें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन, मतलब कि पैकेजिंग और लेबलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या क्या आप पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे और उन सब पे क्या जनरली और क्या लीगल रिक्वायरमेंट लिखी होनी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जब कंटामिनेंट्स और टॉक्सिन्स और रेजिड्यूज का आप देखेंगे तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में या आपके रॉ प्रोडक्ट में कंटामिनेंट्स या टॉक्सिन्स या रेजिड्यूज आने के चांसेस क्या क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या क्या होंगी, उनके बारे में टोटल डिटेलिंग दी गई है। जनरली जब हम शेड्यूल 4 पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि ये बात तो ठीक है कि हमने फूड सैनिटरी एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के बारे में समझ लिया, लेकिन और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट जैसे कि रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी लिमिट है, क्या उसका रेजिड्यू का लेवल है, क्या उसमें टॉक्सिन्स आ सकते हैं, उसके क्या लिमिट बनाई है FSSAI ने, तो सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोसेस, सब बातें अवेलेबल हैं। आप FSSAI के ऑफिशियल साइट पर जब आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अब जनरली अगर बात करें कि लेबोरेटरी का एक मैनुअल होता है, अगर लैब किसी फूड ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश्ड है तो लेबोरेटरी का मैनुअल होगा, और वो लेबोरेटरी के मैनुअल के आधार पे आपने देखा होगा कि वो स्टैंडर्ड जो एक यूनिट का या एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन का स्टैंडर्ड होता है उसको मीट करता है FSSAI की रिक्वायरमेंट से। तो इसका मतलब वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग एनालिसिस रेगुलेशन 2011 में आ जाएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप देखें फूड रिकॉल प्रोसीजर्स, तो फूड रिकॉल प्रोसीजर्स भी आपको मिलेंगे, तो उनका सब कुछ मिल जाती है। इसी प्रकार से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशन, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रेगुलेशन आपको देखना है। तो अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग अधिनियम है और अलग अलग अधिनियम के आधार पर ही हम उस बात को अच्छी तरह समझ पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी समझ रहे होंगे कि हम जो शेड्यूल नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे थे वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, क्योंकि FSSAI का जो एक्ट है, फूड सेफ्टी एक्ट, वो बहुत बड़ा अपने आप में समाहित है और उसमें अलग अलग सेक्शन के लिए बहुत सारी डिटेलिंग है। तो दोस्तों ये तो बात रही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशंस के बारे में। अब एक नई बात, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस जो कि 2011 का रेगुलेशन है, उसके नाम में अब चेंज हुआ है, जो कि ड्राफ्ट वर्जन आ चुका है ऑलरेडी। चेंज क्या हुआ नाम में, अब ये शेड्यूल 4 जो आप पढ़ेंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करेंगे, ये होगा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस 2018, मतलब 2018 का अब ये रेगुलेशन आप देखा जाएगा। ये जनरली इसका प्रेस नोट है जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस हैं। अभी मैं आपसे सेक्शंस की जब बात कर रहा था तो आप यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे इस बात के लिए कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है रेगुलेशन में, सेक्शन नंबर 1 में लाइसेंसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर, मतलब नए वाले शेड्यूल 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए अलग गाइडलाइन आपको मिलेंगी। सेक्शन नंबर 2 में डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट
फॉर लाइसेंसिंग ऑफ स्टेट या सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट या उन सब चीज़ के लिए भी आप सेक्शन नंबर 2 में पूरी गाइडलाइन आप पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 3 में कंडीशन ऑफ लाइसेंस ऑफ रेस्टोरेंट बताया गया है। सेक्शन नंबर 4 में जो कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 4 है, रिलेटिंग टू जनरल रिक्वायरमेंट ऑन हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। तो ये बेसिकली हम फॉलो करते हैं, इसमें ही ये चेंज होगा सेक्शन नंबर 4 में। इसी तरीके से अब इसके जो सेक्शन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हैं, पार्ट 4 फॉर शेड्यूल 4 रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशिंग ए स्मॉल स्लॉटर हाउस। सेक्शन नंबर 6 में पार्ट 5 ऑफ सेक्शन नंबर 4 रिलेटिंग टू गुड हाइजीनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर एंगेज इन कैटरिंग बिजनेस। ये एक नोटिफिकेशन है जो कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 16 के आधार पर है, 15 फरवरी 2018 की ये बात है। तो मतलब पहले जो हम रेगुलेशन 2011 पढ़ते थे, उस 11 में हम क्या देखते थे कि भाई सेक्शन नंबर 4 तक ही हमको पढ़ना पड़ता था, सेक्शन नंबर 4 तक ही हमको डिटेलिंग मिलती थी। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 तक हो गया है, तो नए वाले रेगुलेशन के लिए भी आप लोग तैयार रहें और जनरली इन सब चीज़ों को आप समझें। धन्यवाद, आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अर्जित करें और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को एस्टेब्लिश करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये तो बात रही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशंस के बारे में। अब एक नई बात, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस जो कि 2011 का रेगुलेशन है, उसके नाम में अब चेंज हुआ है, क्योंकि ड्राफ्ट वर्जन आ चुका है ऑलरेडी। चेंज क्या हुआ नाम में, अब ये शेड्यूल 4 जो आप पढ़ेंगे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल करेंगे, ये होगा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस 2018, मतलब 2018 का अब ये रेगुलेशन आप देखा जाएगा। ये जनरली इसका प्रेस नोट है जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस हैं। अभी मैं आपसे सेक्शंस की जब बात कर रहा था, तो आप यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे इस बात के लिए कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है रेगुलेशन में, सेक्शन नंबर 1 में लाइसेंसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर, मतलब नए वाले शेड्यूल 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए अलग गाइडलाइन आपको मिलेंगी। सेक्शन नंबर 2 में डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट फॉर लाइसेंसिंग ऑफ स्टेट या सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट या उन सब चीज़ के लिए भी आप सेक्शन नंबर 2 में पूरी गाइडलाइन आप पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 3 में कंडीशन ऑफ लाइसेंस ऑफ रेस्टोरेंट बताया गया है। सेक्शन नंबर 4 में जो कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 4 है, रिलेटिंग टू जनरल रिक्वायरमेंट ऑन हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड बाय ऑल फूड बिजनेस ऑपरेटर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। तो ये बेसिकली हम फॉलो करते हैं, इसमें ही ये चेंज होगा सेक्शन नंबर 4 में। इसी तरीके से अब इसके जो सेक्शन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हैं, पार्ट 4 फॉर शेड्यूल 4 रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशिंग ए स्मॉल स्लॉटर हाउस। सेक्शन नंबर 6 में पार्ट 5 ऑफ सेक्शन नंबर 4 रिलेटिंग टू गुड हाइजीनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर एंगेज इन कैटरिंग बिजनेस। ये एक नोटिफिकेशन है जो कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन नंबर 16 के आधार पर है, 15 फरवरी 2018 की ये बात है। तो मतलब पहले जो हम रेगुलेशन 2011 पढ़ते थे, उस 11 में हम क्या देखते थे कि भाई सेक्शन नंबर 4 तक ही हमको पढ़ना पड़ता था, सेक्शन नंबर 4 तक ही हमको डिटेलिंग मिलती थी। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 तक हो गया है, तो नए वाले रेगुलेशन के लिए भी आप लोग तैयार रहें और जनरली इन सब चीज़ों को आप समझें। धन्यवाद, आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अर्जित करें और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को एस्टेब्लिश करें। जय हिंद, जय भारत।